चेतन मन का कंट्रोल आपके ऊपर से हट जाता है। सामने पिछले क्लास में आपको समझाया था, जैसे चेतन मन क्या करता है, हमको कंट्रोल करता है। अगर हम किसी को गाली देने जाएंगे तो चेतन मन हमारा कहेगा ये चीजें गलत है, नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारा चेतन मन का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है तो फिर हम किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को कुछ कर सकते हैं, कोई भी सामान तोड़ सकते हैं, कितना भी गंदी चीज है हम उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे चेतन मन का हमारे ऊपर कंट्रोल है तो हम ये सब चीजें नहीं करते। तो नशा सबसे पहला काम करता है कि आपसे आपका चेतन मन जो सोचने समझने की शक्ति होती है वही आपसे छीन लेता है। जब वो सोचने समझने की शक्ति छीन गया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। नशे की स्थिति में आपने देखा होगा, अभी हाल फिलहाल की बात है, होली का टाइम था, मेरे गांव का गांव पे गए हुए थे तो मेरे गांव का एक आदमी था, उसने बहुत ज़्यादा नशा कर दिया था, घर से लड़ाई झगड़ा हो गया था। उसमें क्या होता है कि वो जो लाइट होता है ट्रांसफार्मर वाला, मजाक मजाक में गुस्से में जाकर उसको वो पकड़ लिया, जिसके कारण उसका दोनों हाथ उसे चला गया, उसका दोनों हाथ कभी काम नहीं। अब बताइए तो गुस्सा कितने देर के लिए आया होगा, एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए, लेकिन उसकी पूरी लाइफ बर्बाद होगी। अगर वही बंदा नॉर्मल स्थिति में रहता, वही बंदा नशा नहीं किया रहता तो कितना भी गुस्सा होता अपने आप को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन वही बंदा नशे की स्थिति में खुद को कंट्रोल नहीं कर सका, क्योंकि उसका जो अचेतन मन था वो उसमें हावी था, चेतन मन हावी नहीं था, उसको कॉन्शियस मन हावी नहीं था, क्या करना चाहिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो उसको बढ़िया से पता। तो नशा बस यही करता है कि आपके अचेतन मन को एक्टिव कर देता है और चेतन मन को